नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सैन फिर से हाजिर हूँ आपके लिए लेकर तक्षशासन पुस्तक क्षितिज का तीसरा पाठ सेनापति। तो हमने पहले पढ़ा तुलसीदास, फिर हमने पढ़ा सूरदास और आज हम पढ़ेंगे सेनापति जी के बारे में। बच्चों, सूरदास जी और तुलसीदास जी जो थे वो हिंदी साहित्य का जो काल है, जैसे सबसे पहला वीरता का काल आदिकाल, उसमें था हमारे कोई कवि का वर्णन नहीं है। दूसरा था भक्ति काल, तो भक्ति काल के दो कवि हमने पढ़े, तुलसीदास और सूरदास। सेनापति और आगे वाला जो चैप्टर आपका देव, ये दोनों रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। बच्चों, रीतिकाल, रीति से मतलब होता है कि नियमों में बंधकर जब कवि रचना करते थे और उन रचनाओं में वो अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते थे। जैसे किसी को अलंकार में बहुत सिद्धता, अलंकार में बहुत श्रेष्ठ थे, कोई शब्द शक्तियों में बहुत निपुण थे। मतलब काव्य की जो अलग अलग जो विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं पे बेस्ड वो रचनाएं करते थे और अपने अपने आचार्यत्व का प्रदर्शन करते थे रचनाओं के माध्यम से। तो ये जो ऋतु वर्णन है सेनापति जी का जो जन्म हुआ संवत 1616 में अनूप शहर में हुआ। ये दीक्षित ब्राह्मण वंश के थे, इनके पिता का नाम गंगाधर दीक्षित था और इन्होंने इनके जो जन्म का भी कुछ कंफर्म नहीं है कि इनका जन्म पक्का संवत 1616 में ही हुआ था और इनकी जो मृत्यु का भी कोई पता नहीं है, कोई मतलब प्रूफ नहीं है कि इनकी मृत्यु कब हुई, इसका कोई किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं मिलता है। इनका जो वास्तविक नाम था वो भी किसी को भी नहीं पता कि इनका वास्तविक नाम क्या था। सेनापति इनकी उपाधि दी गई थी और वो उपाधि किसने दी थी बच्चों, ये भी प्रमाणित नहीं है, ठीक है। तो सेनापति जी रीतिकाल के बहुत ही श्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं। सेनापति जी ने अपने काव्य के अंदर नायिका वर्णन बहुत अच्छा किया बच्चों, इतना श्रेष्ठ नायिका वर्णन किया इन्होंने कि नख से शिख तक नायिका का वर्णन पूरा का पूरा बताया इन्होंने। इनकी दो रचनाएं बहुत प्रमुख है, एक तो है काव्य कल्पद्रुम और एक है कवित्र रत्नाम, ठीक है। तो आपका ये जो ऋतु वर्णन है ये काव्य कवित्र रत्नाकर से लिया गया है। कवित्र रत्नाकर ही इनकी प्रमाणिक कृति मानी गई क्योंकि काव्य कल्पद्रुम जो है वो आज कहीं पे भी आपको नहीं मिलती, ठीक है। तो सेनापति जी ने ऋतु वर्णन जो किया है, इस ऋतु वर्णन के अंदर उन्होंने वर्षा ऋतु का, वसंत ऋतु का, ठीक है, शीत ऋतु का और ग्रीष्म ऋतु का भी इन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वसंत ऋतु के बारे में, ठीक है। तो कवि सेनापति जी ने वसंत ऋतु का वर्णन किस प्रकार किया है, मानो कोई राजा, जैसे राजा अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ में आता है, जो चारों प्रकार की सेनाएं लेकर के आता है, चारों प्रकार की सेना से मतलब हाथी वाली, घोड़े वाली, रथ वाली, पैदल वाली, ठीक है। तो बहुत प्रकार की सेनाएं लेकर के राजा आता है। जब राजा आता है तो उस रस्ते पर फूल बिछाए जाते हैं, ठीक है, फूल बिछा करके उसका स्वागत किया जाता है, ठीक है। तरह तरह के सुगंधित द्रव्य पदार्थ छिड़के जाते हैं वहां पर रास्ते में, ठीक है। और बंदी जन जो है, चारणगण, भाट जो होते हैं, उनके गुणगान करते हैं उसके यश का, ठीक है, उसकी बिरदावली का, ठीक है। तो ऐसे ही कवि ने इस पद में क्या कहा है, इसमें बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है और बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे वो आता था, कैसे उसके यश का गान करते हैं, वो सारा का सारा प्रकृति का इतना उत्तम वर्णन किया है हम इन्होंने सेनापति जी ने। देखो पढ़ते हैं, बरन बरन कर फूले उपवन बन, यहाँ का वसंत ऋतु को राजा बताया है इन्होंने, ठीक है। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, जो रूपी बसंत रूपी राजा, ठीक है। तो रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें इन्होंने किया है और सेनापति जी को श्लेष अलंकार के प्रयोग में महारत हासिल थी बच्चों। इसके बाद जो ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का वर्णन आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से, ठीक है। तो बरन बरन तरु फूले उपवन, जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो चारों ओर प्रकृति में तरह तरह के फूल खिल जाते हैं, उपवनों में, वनों में, बड़े बड़े वृक्षों पर चारों ओर फूल ही फूल नजर आते हैं। सोच तुरंग संग दल लहियतु है, और ऐसा लग रहा है मानो विभिन्न प्रकार के फूल जो है, विभिन्न प्रकार के फूलों से लदे हुए जो पेड़ है, ऐसा लग रहा है मानो वसंत रूपी राजा की चार प्रकार की सेनाओं को लेकर के वो राजा आगमन कर रहा है, आ रहा है। कौन? वसंत रूपी राजा। सोई चतुरंग संग दल लहियतु है, चतुरंगिनी सेना कौन कौन सी हो गई, हाथी वाली सेना, यानी जो सैनिक हाथी पर सवार होते हैं उनकी सेना, फिर घोड़े पर सवार वाली सेना, फिर रथों पर सवार वाली सेना और फिर पैदल सेना, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है मानो वसंत रूपी राजा विभिन्न प्रकार की फूलों की सेनाओं को लेकर के आ रहा है। बंदी जी में बोलत बीरत बीर कोकिल है, बच्चों एक चीज और, ब ब ब ब कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है,
विशेष के जो पॉइंट लिखोगे आप उन विशेष में ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि इसमें रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और कौन सा था, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग कवि ने किया। ठीक है, तो जब राजा आते हैं तो राजा के आने पर बंदी जी भी बोलत विरत पीड़ित होती है, तो वहां पर कोयले, ठीक है, मोर, तोते, ये लोग क्या कर रहे हैं, बसंत रूपी राजा का गुणगान कर रहे हैं, उसके यश का गान कर रहे हैं। गुंजत मधु प्रदान गुण दहियतु है, और मधु यानी कि भौरे, ठीक है, मधु यानी भौरे। बच्चा यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है, देखो ग ग ग ग अनुप्रास अलंकार आ गया, ग वर्ण की आपत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, तो भौरे भी गुंजार कर रहे हैं, और उसकी गुंजार से ऐसा लग रहा है मानो वो जो यशोगान हो रहा है बसंत रूपी राजा का, वो उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं, तो यानी उनके गुणों को ग्रहण कर रहे हैं। कौन? भवरे। आए आस पास उपन की सुबास हुई, और आस पास फूलों की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी मीठी मीठी फूलों की खुशबू आ रही है, सोने के सुगंध मान सने रही होते हैं, और ऐसा लग रहा है मानो चारों ओर सोने की सुगंध छा रही है। सोने की सुगंध यानी फूलों की विभिन्न प्रकार की खुशबुएं प्रकृति में चारों ओर छाई हुई है बसंत ऋतु बसंत रूपी राजा के आगमन पर। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतु राज ऋतु है, कि जब राजा आता है तो राजा आता है तो उसके साथ में बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, लाभ लक्ष्मण होता है पूरा पूरा उसके साथ। ठीक है, तो ऐसे ही बसंत ऋतु रूपी जो राजा है वो भी आ रहा है, और उसके साथ में बहुत सारे सुख साज के सामान, मतलब पूरी की पूरी सुविधा है उसके साथ में। जैसे राजा करता है तो उसकी एक आवाज में सब चीजें हाजिर हो जाती है, ऐसे ही ऋतु जो ऋतुराज है बसंत रूपी ऋतुराज है उसके भी आगमन पर जो है, मतलब उसकी एक आवाज करने पर यानी उसके एक इशारे पर सारा काम हो जाता है, ऐसा यहाँ पे प्रकृति में हो रहा है। ऐसा लग रहा है मतलब शोभा का पूरा समाज लेकर के कौन आ रहा है, बसंत रूपी राजा आ रहा है। और आज सेनापति कह रहे हैं कि जो महल होते हैं, महलों के अंदर जब बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे उनके महलों के अंदर सुंदर सुंदर द्रव्य की खुशबू आती थी, ऐसे ही किसके आने पर हो रही है, बसंत रूपी राजा के आने पर हो रही है, कि आज आवत बसंत ऋतुराज सही होते हैं, कि आज ऋतुराज बसंत का आगमन हो रहा है, और उन चारों प्रकार की सेनाओं को सजा करके पूरे दल बल के साथ में चारों ओर खुशबू फैलाता हुआ आ रहा है। कोयल, तोते और जो मोर है वो उसकी वंशावली का वर्णन कर रहे हैं, उसकी यश का गान कर रहे हैं, और भौरे भी उसके गुणों को ग्रहण कर रहे हैं, और आस पास फूलों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और ऐसा लग रहा है मानो अपने पूरे शोभा के सामान के साथ में, यानी अपनी सुख संपत्ति के साथ में, पूरे साज सामान के साथ में राजा आ रहा है। और सेनापति ने क्या बताया है, इसको की सेनापति ने बताया है कि इस प्रकार वसंत ऋतु रूपी राजा का आगमन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स स स स स कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, यहाँ पे आ और आ, ठीक है, आ आ प प स स। बच्चों इस पूरे पद के अंदर प्रमुख रूप से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और प्रत्येक जगह पर रूपी यानी कि चतुरंगिणी रूपी सेना, ठीक है, फिर बंदी, बंदी के समान कौन, वीर होके बिरद होके बिरद यानी तोते, कोकिल यानी कौवा, ठीक है, मधु यानी भौरे। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे के पूरे पद के अंदर अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग यहाँ पे कवि ने किया है। तो ये तो कौन से ऋतु का वर्णन हुआ, बसंत ऋतु का वर्णन। आगे कवि ने यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों का वर्णन किया है। ठीक है, श्लेष अलंकार मैंने आपको बताया था, शब्द एक, अर्थ अनेक, अलंकार श्लेष, अर्थात शब्द तो एक ही होता है लेकिन उसका प्रयोग एक से ज्यादा बार होता है। ठीक है, किसका, अर्थ का प्रयोग। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं, देखे चित्ती अंबर जले ही चारों ओर छोड़। अब पहले हम ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की ऋतु, इसी प्रकार किसका महीना चल रहा है, जेठ का महीना चल रहा है, और जेठ के महीने के अंदर बहुत कड़कड़ाती हुई गर्मी पड़ती है। ठीक है, बहुत भयंकर प्रचंड लू चलती है, ताप होता है बहुत ज्यादा, तो प्रकृति में कैसे उसको वर्णन किया कवि ने, देखो, देखे चित्ती अंबर जले ही चारों ओर छोड़, चित्ती यानी क्षितिज, अंबर यानी कि आकाश,
पृथ्वी से लेके आकाश तक चारों ओर सब कुछ जल रहा है, इतनी प्रचंड ताप पड़ रहा है, सूर्य का ताप इतना अधिक बढ़ गया है कि चारों ओर जलता हुआ ही नजर आ रहा है, सब कुछ जला हुआ नजर आ रहा है। तिन दर पर सब ही को रूप हरो है, उसने उसने किसने प्रचंड ताप ने, लू ने, गर्मी ने तरोवर का यानी बड़े बड़े वृक्षों के रूप को हर लिया है, वृक्षों की हरियाली को हर लिया है। महाधर लग जति भादव की होती चले, और ऐसा लग रहा है मानो जंगल की अग्नि जैसे फैल जाती है, और जंगल में अग्नि फैलने पर क्या होता है, पूरा का पूरा जंगल नष्ट हो जाता है और उसका ताप जो है दूर दूर तक महसूस किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे लग रहा है कि मानो भादव यानी कि जंगल में अग्नि, जंगल की अग्नि जब बढ़ जाती है तो चारों ओर ताप का विस्तार हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर किसका विस्तार हो गया है, गर्मी का विस्तार हो गया है, लू का विस्तार हो गया है चारों ओर। जलत पवन तन सिख मानो परो है, और जो हवाएं हैं उनमें इतनी गर्मी है, इतना ताप है कि मानव शरीर पर पड़ते ही सेक लगता है। हमने जब गर्मी में लू चलती है तो हाथ पैरों को ढक करके लोग बाहर खाड़ निकलते हैं, मुंह को पूरा कवर करके लोग निकलते हैं, तो चारों ओर क्या होता है, प्रचंड गर्मी का ताप फैल रहा है, लू लू की हवाएं चल रही है, गर्मी भरी हवाएं चल रही है। ठीक है, दारुण तरणी कर नदी सुख पावे सब, और इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग बाग जल वाली जगहों का, जल वाली जगहों को चुनते हैं जहां पर पानी होता है, क्योंकि पानी के पास वाली जगह पर उनको ठंडक मिलती है। ठीक है, उनको शीतलता प्राप्त होती है। तो ऐसे कह रहे हैं कि लोग बाग नाव में बैठ करके, यहाँ पर तरणी का अर्थ क्या है, नाव, तो लोग बाग नाव में बैठ करके नदी का सुख पाने की इच्छा अभिलाषा करते हैं। सीरी धन जहाँ चाहे वही चित्त धरो है, आप लोग भी वाटर पार्क में जाते हो गर्मियों की ऋतु में, जाते हो नहीं जाते हो, क्यों जाते हो, क्योंकि वहां पर पानी का आनंद लेना चाहते हो। ठीक है, शीतलता मिलती है आपको, कूलर का कूलर की ठंडी ठंडी हवा के आगे बैठते हो, आप लोग मटकी का ठंडा ठंडा पानी पीते हो, तो क्यों पीते हो, क्यों करते हुए कहा था कि आपको शीतलता प्राप्त। ऐसे ही लोग आप शीतलता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, नाव में बैठ करके नदी का रुख करते हैं। ठीक है, और लोग क्या करते हैं, आप कहीं से गुजर रहे हो, ठीक है, और बहुत तेज गर्मी है, आपको कहीं अगर छायादार पेड़ मिल जाता है आप उसके नीचे कुछ देर रुक करके आराम करते हो, या आप जाते हो तो आप सोचो कि धूप में नहीं जाना, छाया छाया में चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी वही चीज है कि लोग बाग घनी छाया ढूंढते हैं और उस छाया में बैठ करके अपने मन को दिलासा देते हैं, अपने अपने आपको शीतलता प्रदान करते हैं, घने वृक्षों की छाया में बैठना चाहते हैं लोग, क्यों, ग्रीष्म से बचने के लिए, गर्म लू से बचने के लिए, ताप से बचने के लिए। देखो चतुराई सेनापति कविता ग्रीष्म विषम बरसा की समुद्र है, कि देखो सेनापति की चतुराई है कि उसने कविता में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी किसके समान किया है, वर्षा ऋतु के समान किया है। बच्चों ये तो था किसका वर्णन, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन। ठीक है, अब इन्हीं पदों में कवि ने वर्षा ऋतु का भी वर्णन किया है, कैसे किया है, देखे छति अंबर जले है चारों ओर छोर। अब पहले तो क्या था ग्रीष्म ऋतु में कि गर्मी के कारण, प्रचंड ताप के कारण क्या हो रहा है, चारों ओर जलन हो रही, सब कुछ जल रहा है। अब यहाँ पर, यहाँ तो जले ही शब्द है, इसका मतलब क्या है, पानी। कैसे, कि पृथ्वी से लेके अंबर तक जहां देखो पानी ही पानी, जल ही जल है। तिन तर पर सब ही को रूप हरे, और उसने यानी जब पानी तेज होता है, जब अतिवृष्टि होती है, जब तेज वर्षा होती है, तो क्या आती है, बाढ़ आती है, और बाढ़ आने पर जो है वो बड़े से बड़े वृक्ष को भी उखाड़ कर अपने साथ ले जाती है, घर के घर बह जाते हैं। तो उसने चारों ओर क्या कर रहा है, सब सब पेड़ों का, सब वृक्षों के रूप को हर लिया है, उजाड़ के रख दिया उनको सबको। महाद्र लगे जो कि भादव की होती चले, कि और ये जो प्रक्रम है कहां तक चलता है, भादवों के महीने तक चलता है वर्षा ऋतु का प्रक्रम। ठीक है, जलत पवन तन सिख मानो परे, चारों ओर चारों ओर बादल छाए हैं और बादलों से बरसती हुई बूंदे ऐसी लगती है मानव शरीर को छूती है, जैसा लगता है मानव शरीर पर सेक हो रहा हो। तो देखो यहाँ पर भी वही चीज है, तीन तर बर सब ही गुरु, इस लाइन का तो वही अर्थ है कि उसने वृक्षों के रूप को हर लिया, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में तो किसके कारण था, प्रचंड ताप के कारण था, और वर्षा ऋतु में किसके कारण, अतिवृष्टि के कारण है, बाढ़ के कारण है, ठीक है, अधिक पानी के कारण। ठीक है, अब यहाँ पर महाधन अल्लाह के जो कि भादव की होती चल, और यहाँ पर भादव ग्रीष्म ऋतु में तो क्या था, जंगल की अग्नि, और यहाँ पर इसका वर्णन, इसका मतलब क्या है, भादवों का महीना, भाद्रपद का महीना जो होता है, ठीक है, सावन के बाद में जो आता है वो भाद्रपद का महीना होता है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, भादवों का महीना। अब यहाँ पर जलद ग्रीष्म ऋतु में इसका क्या मतलब था, जल
यहां पर इसका क्या मतलब है? बादल, ठीक है। तरणी, वहां पर इसका मतलब क्या था? नौका, ठीक है, वहां पर भी इसका मतलब नौका ही। हम देखते हैं इसको, यहां पर तो क्या हो गया कि ये प्रक्रम कहां दिए, प्रक्रिया कब तक चलती है? वर्षा बरसने की भादों के महीने तक चलती है, और बादलों से चारों ओर बादल छाए हुए हैं, बादलों से बरसता हुआ पानी शरीर को सेकता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। बारिश की बूंदें जब पड़ती है शरीर में तो क्या तीखी लगती है, चुभती है और शरीर पर, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है, दारुण तरणी कर नदी सुख पावे, और उस भयंकर बाढ़ से बचने के लिए लोग बाग नदियों में नावों में सवार होकर के निकलते हैं। मतलब वो नदी, वो बाढ़ को, जल को पार करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नावों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, नौकाओं का प्रयोग करते हैं। सील चढ़ने जहाँ चाहे चाहे वो ही चित्र धरे हुए, और सब के सब इस वर्षा से बचने के लिए घने वृक्षों की छाया में बैठ कर कुछ पल आनंद, कुछ पल विश्राम करते हैं। वो घनी छाया में बैठ करके पेड़ों के नीचे रहते हैं तो बारिश की बूंदें कम लगती है, तो वो भी यही, यहाँ पे भी यही चाह रहे हैं कि बड़े बड़े वृक्षों के नीचे बैठ करके बारिश से बचने का कुछ प्रयास किया जाए। भाई देखो चतुराई सेनापति कविता, देखो ये चतुराई सेनापति की कविता की कि उसने ग्रीष्म और विषम और बरसा की समुद्र की वर्षा ने सुखावन भी कृष्ण ऋतु के समान किया। तो इस एक ही पत्र आपकी दो ऋतु है, पहले वाले पत्र हमने पढ़ा वसंत ऋतु के बारे में, इसमें हमने, इसमें हमने क्या पढ़ा? ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर एक नायिका है जिसका पति, नायिका यानी कि काव्य के अंदर या किसी भी आप पिक्चर वगैरह देखते हो तो उसमें भी हीरो हीरोइन जरूर होते हैं, एक्टर एक्ट्रेस जरूर होते हैं, ऐसे ही काव्य में जो कवि होता है वो भी नायक और नायिका, नायक यानी कि एक्टर, नायिका यानी कि एक्ट्रेस, तो उनको लेकर के रचनाएं लिखते हैं। तो यहाँ पर भी एक नायिका है जिसका पति जो है वो विदेश गया हुआ है, और उसने सावन के महीने में आने का अपनी नायिका से वादा किया है, लेकिन वो नहीं आया। तो यहाँ पर नायिका अपनी सखी से कह रही है कि दामिनी दमक सुर चाप की चमक, कि दामिनी यानी बिजली चमक रही है, सुर चाप यानी कि इंद्रधनुष भी चमक रहा है, श्याम घटा की झमक अति घोर धनघोर में, और चारों ओर काले बादल छाए हुए हैं और उमड़ घुमड़ कर आवाज कर रहे हैं, वो बहुत घनघोर बहुत भयंकर ध्वनि कर रहे हैं, वो लोग गरज रहे हैं, कोकिला कला के तल कुजित है जित दे, और जहां तहां कौन गूंज रहे, कौन गूंज रहे हैं? कोयल और मोर के मधुर स्वर गूंज रहे हैं, सिकर ते सिकर समीर की झकोर दे, और बारिश की बूंदे जब पड़ रही, हल्की हल्की बूंदे हवा के साथ में आ रही है, तो वो शीतलता प्रदान करने वाली हो रही है, ठीक है। सेनापति आवन कयो हुए मन भावन को, हे सखी, सेनापति नायिका के माध्यम से कह रहे हैं कि हे सखी, मेरे प्रियतम ने सावन के महीने में आने का संदेश भिजवाया था, ठीक है। लागतर सावन विरह जुर जोर दे, लेकिन ये सावन का महीना आ गया और इसमें मेरे प्रियतम से मिलने की उत्कंठा को और ज्यादा बढ़ा दिया, मेरी मनोकामना और ज्यादा बढ़ गई है कि मैं मेरे प्रियतम से मिलूं। आयो सखी सावन मदन सर सावन की, हे सखी, सावन का महीना भी आ गया है और मुझे मेरे प्रिय की याद बहुत ज्यादा तड़पा रही है। लग्यो है पर सावन सलिल चहुं ओर ते, और ऊपर से चारों ओर से बादल घुमड़ घुमड़ कर और ज्यादा वर्षा कर रहे हैं। इस सावन के महीने में बहुत ज्यादा पानी बरस रहा है, चारों ओर पानी ही पानी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर नायिका ने अपनी सखी को कहा है, क्या कहा है? कि बिजली चमकती है, वर्षा ऋतु होता है ना, बिजली भी चमकती है और इंद्रधनुष भी निकलता है, चारों ओर बादल छा जाते हैं काले काले, और बादल जब पानी भर के लाते हैं तो उमड़ते हैं घुमड़ते हैं, आवाज करते हैं धीरे धीरे की, तो उन आवाजों से चारों ओर क्या हो रहा है? भयंकर शोर हो रहा है, और शोर को सुनकर के नायिका के मन में क्या, यहाँ पर जो वियोग श्रृंगार का वर्णन किया, वियोग श्रृंगार यानी कि पति, जो नायिका होती है वो कहीं और होती है और नायक जो होता है वो दूर विदेश में बैठा होता है, ठीक है। तो वियोग श्रृंगार के अंदर दोनों की विरह दशा का वर्णन किया जाता है, तो यहाँ पर नायिका की विरह दशा का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया, ठीक है। अब वसंत ऋतु का वर्णन हो गया, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन हो गया, वर्षा ऋतु का दो बार वर्णन हो गया, अब इसमें आपको शीत ऋतु का वर्णन यहाँ पर कवि ने करके बताया है। क्या बताया है? आपकी जब सर्दी होती है, किसका महीना होता है? जब माह का महीना होता है या पोष का महीना होता है सकरात के टाइम में, तब क्या क्या होता है? बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, ठीक है, और ठंडी हवाओं के से बचने के लिए लोग बाग आग जलाते हैं, उस आग के ऊपर आग को घेर करके बैठे हुए रहते हैं, कोई सिगड़ी जलाता है, कोई गर्म हीटर लेकर के आता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर कवि ने शीत ऋतु से बचने के लिए लोग बाग क्या क्या यत्न करते हैं वो बताया है। देखो, शीत को प्रबल सेनापति को भी चढ़ दल, कि शीत जो है अपनी
सेना के साथ में क्या कर दी, उसने चढ़ाई कर दी, ठीक है। निबल अनल, निबल यानी कि निर्बल, अनल यानी कि सूर्य या अग्नि, ठीक है, दोनों से कुछ भी ले सकते हैं आप, क्योंकि सूर्य में भी ताप होता है अग्नि, ठीक है। तो अग्नि भी निर्बल हो गई है, सूर्य भी निर्बल हो गया, गए सूर्य सीर आए के, और सूर्य भी अब कहीं जाकर के छुप गया, ठीक है। शीत ऋतु में सूर्य का ताप आपको अधिक नहीं लगता, अभी आप अगर बाहर निकलते हो इस गर्मी की ऋतु में, जून मई के महीने में अगर बाहर निकलते हो तो आपको गर्मी की जो हवाएं हैं या सूर्य का जो ताप है इतना प्रचंड लगता है कि आप दो मिनट भी धूप में नहीं टिक पाते, या तो हाथों को डुबोगे या छाया में चलोगे, ठीक है। लेकिन शीत ऋतु में अगर आप धूप में बाहर निकलते हो तो उस समय की धूप आपको बहुत अच्छी लगती है, शीतलता देने वाली होती है वो धूप आपको, क्योंकि वो आपको शीत से बचाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है कि अग्नि जो है वो निर्बल हो गई है और सूर्य भी शर्मा करके छिप गया है। हिम के समीर ते बरस रे विषम तीर, और बर्फ की हवाएं चल रही है, बर्फीली हवाएं चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और कैसी लग रही है, और मानो जो शीत है वो अपनी सेना के साथ में तीर बरसा रहा है। पहली लाइन में अपनी सेना के साथ उसने चढ़ाई करी, फिर दूसरी लाइन में अग्नि भी निर्बल हो गई और सूर्य भी शर्मा गया। अब वो क्या कर रहे हैं, बर्फ के समीर यानी बर्फ रूपी हवाओं के तीर चला रहे हैं, कौन, शीत ऋतु। रही है गर्म और भवन कौन अंदर में जाएंगे, और गर्म हवाएं जो है वो भवनों के कोनों में जाकर के छिप गई है, क्यों, शीत ऋतु के डर से। धूम नयन वाहे, लोग आगे पर गिर रहे, आंखों से आंसू बह रहे हैं, आप जब आंख में जाकर के बैठते हो या कहीं पर आंच जल रही होती है, आप वहां जाकर के बैठते हो तो उसका धुआं आपकी आंखों में लगता है, लेकिन फिर भी नहीं उठते हो आपकी आंखों में से आंसू निकलते हैं, लेकिन फिर भी नहीं उठते हो, क्यों नहीं उठते हो, क्योंकि आपको वहां पर क्या मिलता है, आनंद मिलता है, उस शीत से बचने का आप प्रयास करते हो, उन गर्म हवाओं के बीच में आप उनसे बचने का प्रयत्न करते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे आंखों से लोगों के धुआं बह रहा है, सॉरी धुएं से आंखों में आंसू बह रहे हैं, लोग आग पर गिर रहे हैं, गिर रहे मतलब उसको घेर कर चारों ओर से बैठे हुए हैं। ये सो लगाए रहे नेट सुलगाए के, और वो अग्नि को सुलगा करके अपने हृदय से लगा कर रखते हैं, मतलब वो किसी ना कोई ना कोई यत्न ऐसा करते थे कि उन्हें गर्माहट मिलती रहे, ठीक है। शीत ऋतु से बचने के लिए वो कुछ ना कुछ प्रयास ऐसा करते रहते हैं ताकि उनको शरीर को गर्माहट मिलती रहे, वो गर्माहट रहे उनके शरीर में। मानो भीत जानी महा शीत ते पसारी पानी, अब तो मानो शीत ऋतु ने अपने पैर पूरी तरह से पसार लिए हैं। जब सकरात का महीना आता है, सकरात के जब टाइम आता है तो चाहे मतलब चारों ओर कभी बादल भी हो जाते हैं, मावट भी हो जाती है, उसमें जो शीतकाल में वर्षा होती है उसको मावट कहते हैं। तो मावट जब होती है या सकरात का जो महीना आता है उस समय पर इतनी ज्यादा शीत भर जाती है, इतनी ज्यादा सर्दी भर जाती है कि लोगों को घर से निकलना दुभर हो जाता है, बच्चों का जो शीतकालीन अवकाश होता है वो भी आगे बढ़ा दिया जाता है आजकल, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर हुआ है, मानो शीत ने पूरा अपना हाथ में पसार लिया हो, भयंकर शीत पड़ रहा है, छतिया की छा रखो पाओ को छिपाए के, और लोग बाग अग्नि को अपनी अपनी छाती के अंदर छिपा करके रखते हैं, क्यों, गर्माहट पाने के लिए। मानो ऐसा लग रहा है लोग बाग अग्नि को अपनी छाती में छिपा कर रख रहे हैं ताकि वो शीत के प्रकोप से बुझ ना जाए, उनकी गर्माहट कम ना हो जाए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कौन सा था, शीत ऋतु का वर्णन था। अब यहाँ पर भी इस पद में कौन से अलंकार है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि पहले के जो तीन हमने पद पढ़े उसमें मैंने आपको अलंकार भी बताए कौन कौन से थे, पहचान भी बताई कौन कौन सी, इस पद में आप मुझे बताएंगे कौन कौन से अलंकार है और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज तीसरा चैप्टर सेनापति जी पूरा हुआ, अगली क्लास में आपके लिए चौथा चैप्टर देव लेके फिर हाजिर होगी।